दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। बहुत बढ़िया फंड है ये, आप इसको ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया फंड है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, केवल मंथली 3,000 रुपये जमा करके आप करीब करीब 2 करोड़ रुपये इकट्ठा कर पाओगे, अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को ठीक से चलाते हो। देखो, कभी भी याद रखो, जब तक हम खुद को पे नहीं करेंगे ना, जब तक हमारे पास में मोटी रकम नहीं आएगी, ये सबसे बड़ा दिक्कत का काम है। कोई भी आदत अच्छी डालनी पड़ती है, बुरी अपने आप आ जाती है। बुरी डालने की जरूरत नहीं होती, अपने आप आ जाती है। अच्छी आदत को डालना पड़ेगा। मान लो मॉर्निंग वॉक में हमें घूमना है, तो सुबह 5 बजे का अलार्म लगाना पड़ेगा, फिर उसको बंद करेंगे, 15 पे खड़े होंगे, 30 पे चलेंगे। वही है कि सबसे पहले अपने आप को पे करो। आप अपने आप को, मतलब जैसे तनख्वाह ही 1,000-2,000 रुपये अपने आप को पे करना सीखो। जब तक वो नहीं सीखोगे, आपके पास में वेल्थ अच्छी नहीं बनेगी। और वेल्थ भी ऐसी कि ऐसे म्यूचुअल फंड में लगाना जहां पे रिटर्न करीब करीब 19-20% का मिल जाए हमें। तो हम आज बात करेंगे एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। बहुत बढ़िया फंड है, 4 सितंबर 2009 का है, काफी पुराना है। एनएवी की बात करें 99 रुपये है। रेटिंग की बात करें 3 स्टार मिला हुआ है, क्योंकि एक्सिस बैंक का है। फंड साइज बात करें तो करीब करीब 24,563 करोड़ रुपए लोगों ने भरोसे पे एक्सिस के लगा रखे हैं। होल्डिंग की बात करें 75 कंपनियां हैं, मैं ज्यादा तो नहीं बता सकता, पर कम भी नहीं है। 75 कंपनियां अच्छी हैं, क्योंकि रेटिंग 3 स्टार मिला हुआ है इसको। 75 की कंपनियां जो हैं, सारी की सारी स्टॉक मार्केट की कंपनियां हैं। उसमें से मैं 4 के नाम बताऊंगा। कई लोग कहते हैं कि कहीं भाग तो नहीं जाएगा, कहीं हमारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। ये दिमाग में अगर आपके क्वेश्चन चलता रहेगा तो आपका जो समय है ना, वो निकल गया, फिर कोई फायदा नहीं है म्यूचुअल फंड में आने का। मान लो आपको म्यूचुअल फंड करना है और आपको 5 साल के लिए आना है। मैं तो नहीं कहता कि 5 साल के लिए आप आओ, आपको आना है तो 10 से 15 साल कम से कम आओ। वैसे तो कम से कम 20 साल के लिए तो कम से कम आओ, ताकि जो जो वेल्थ इतनी बनेगी ना, फिर आपने इतना पैसा कभी देखा ही नहीं होगा। तो हम बात कर रहे थे 75 कंपनियां, सारी की सारी स्टॉक मार्केट की है। उसमें से 4 कंपनियों के नाम बताऊंगा। टीवीएस मोटर 3.09 के करीब, आईसीआईसी बैंक 0.31 के करीब, जेके सीमेंट 1.71 के करीब, एचडीएफसी बैंक 1.49 के करीब, एक्सप्रेस रेशो 0.52 के करीब, एग्जिट रेट 1%। एक साल से अगर पहले पैसे निकलवाते हो, एएम की बात कर लेते हैं, 2,63,040 रुपये काफी है, काफी बड़ा है। एएम 2 लाख करोड़ है, तो 2 लाख अगर किसी आपने किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है या लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो हमेशा 2 चीज देखने के लिए है, फंड साइज और एएम, ये दोनों चेक करनी है आपने। एनएवी का कोई दिक्कत नहीं होती, होल्डिंग की भी कोई दिक्कत नहीं होती, जो दिक्कत है फंड साइज और एएम, ये देखना है आपने। ये 5,000 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए, ये 1 लाख से ऊपर का होना चाहिए करोड़, फिर आप आराम से लगा सकते हो। अगर आपने लगा रखे हैं तो आप जाके आपके फोन पे में या गुरु ऐप में, जहाँ पे आपको मिलते हो ये एएम और फंड साइज, दोनों चेक करने हैं। ऑल रिटर्न की बात करते हैं 19.48 है, 5 ईयर की बात करें 21.92 है, 1 ईयर की बात करें 20.52 है। अब मैं 19% की रिटर्न बात कर रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, 8% के रिटर्न पे रहते हैं। आपने आरडी एफडी इत्यादि कोई भी सरकारी स्कीम ले लेंगे, मतलब जो, या तो कोई रिश्तेदार आ गया उसने एलआईसी कर दी, या कहीं भी, मतलब जो भी लगा, पर 8% का ही आप ब्याज कमाते हो। जब तक आपके पास में 8% का ब्याज आप जमा करते हो, उसके अंदर में 7% आप माइनस कर दो, क्या, महंगाई, तो आप 1% ही बचा पाते हो पैसा। कैसे भी कैलकुलेशन लगा लेना, जो भी आपने गवर्नमेंट स्कीम ले रखी है, जितनी भी आपके पास गवर्नमेंट स्कीम है, आप कभी भी रिच नहीं बन सकते, क्योंकि आप रहते 1% में हो। इस 1% को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड में जाना पड़ेगा। जब तक हम म्यूचुअल फंड में नहीं जाएंगे, जब तक हमारा पैसा मार्केट में नहीं लगेगा। गवर्नमेंट भी अपना पैसा सब मार्केट में लगाता है। मान लो आपने कोई भी पैसा लगा रखा है, मान लो आपने आरडी या एफडी या पीपीएफ या ईपीएफ, सुकन्या योजना या एलआईसी, कहीं भी पैसा लगा रखा है, सारा पैसा मार्केट में जाता है। ये इनडायरेक्टली पैसा जाता है, 8% आपका घूम के जाएगा, आपको मिलेगा 8% उनसे, मार्केट गवर्नमेंट कमाएगी उससे 15-20%, और आपको मिलेगा 8%, और जो महंगाई है वो 7% माइनस कर लो 1%, 8
मतलब 1% में जब भी हमारे पास में इतना पैसा होता ही नहीं है। मान लो आप लोग कोई शादी ब्याह आ गया या कुछ भी आ गया, जो आपका ईपीएफ में जमा था आपने निकाला लगा दिया, क्यों, पैसा जीरो हो गया। अगर आपको 1 करोड़ का आपका सपना है, आपके अंदर मतलब ये चीज है कि कमिटमेंट करना कि हम ये चीज कर सकते हैं, उसके लिए हमें मार्केट में पैसा ऐसी जगह लगाना है जहां से पैसे का पेड़ बने, वो म्यूचुअल फंड है। जो भी म्यूचुअल फंड पसंद हो आपको, जिस भी बैंक का, उस बैंक में लगा सकते हो। मैं तो बैंक सेक्टर की बात बताता हूँ मोस्टली, क्योंकि बैंक क्या है, कभी भी गिरता नहीं है, हमेशा लोन देता है लोगों को, लोन ले लो ताकि उसका बैंक और उसकी ब्रांचें बढ़ें। अब बात कर लेते हैं केवल 3,000 रुपये की, आपको मंथली 3,000 रुपये बचाने हैं सिगरेट बीड़ी इत्यादि जो भी आप एक्स्ट्रा खर्चा करते हो, कोशिश करो 15-20 साल ना करने की। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे खर्चे ना करो, कोशिश करो 19% रिटर्न मान के चले, 19.48 बताने, 25 साल में आपने 9 लाख रुपए जमा करे, आपको मिलेंगे 2,12,41,823 रुपए। शायद कुछ लोगों का कमेंट आता है कि सर 25 साल तो ज्यादा हो गए, सर आप नौकरी 32 साल करोगे, 32 ईयर कम से कम बता रहा हूँ। आप अभी कैलकुलेशन निकालो, आपकी ड्यूटी मतलब नौकरी कितनी बची है, ईपीएफ में आपने पैसा डाल रखा है, 25 साल की बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 25 साल में भी अगर 2 करोड़ मिलते हैं ना, तो उस म्यूचुअल फंड पे लगा दो जहाँ से ये निकल के आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा का सारा पैसा आप एक्सिस मिड कैप में, एक्सिस स्मॉल कैप में भी लगा सकते हो, एक्सिस का और भी आपको जो अच्छा लगता हो, या SBI का जो अच्छा लगता हो, HDFC का जो अच्छा लगता हो, जो भी आपको पसंद हो, बैंक सेक्टर में आप पैसा लगाइए, आपका पैसा कभी भी नील नहीं होगा। ये बात आप नोट कर लो मेरी, म्यूचुअल फंड सही है, मार्केट रिस्क के साथ सही है, ये कंफर्म है। आप ये देखो ईपीएफ के अंदर में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर में अगर आप 1970 या 71 में जाओगे तो 4% रिटर्न था, आज 8 मिल रहा है। ये जब गड़बड़ सकता है तो ये भी गड़बड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर गड़बड़ने के साथ में भी ऐसी जगह पैसा लगाओ जहां से पैसे का पेड़ निकल के आए, ना कि पोता। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।